नमस्कार दोस्तों आप सबका लीनियर आई लेक्चर सीरीज में बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम स्किमिट ट्रिगर को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हमने स्किमिट ट्रिगर के कुछ की पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं सबसे पहला पॉइंट है कि स्किमिट ट्रिगर आपका एक कंपेरिटर होगा विद पॉजिटिव फीडबैक्स दूसरी बात दोस्तों इसको हम रीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं क्योंकि जितने भी पॉजिटिव फीडबैक्स हैं उनसे हमारा ओपैम्प का ओवरऑल जो गेन है वो इनक्रीज हो जाता है और इसीलिए इसको रीजनरेटिव फीडबैक भी कह सकते हैं तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ट्रिगर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी इनपुट वेवफॉर्म्स जो मर्जी हों जैसी भी हों लेकिन ये हमेशा इनपुट वेवफॉर्म्स को स्क्र वेव में कन्वर्ट कर देता है यानी आउटपुट पे आपको हमेशा स्क्वेयर वेव मिलेगी फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो स्कीम ट्रिगर है ये आपका बाइस स्टेबल सर्किट है अब इसका क्या मतलब है बाइस स्टेबल सर्किट का ये मतलब होता है दोस्तों कि जब तक आप अपने इनपुट को चेंज नहीं करोगे तब तक आपकी आउटपुट कभी चेंज नहीं होगी यानी आपकी आउटपुट हमेशा एक स्टेबल स्टेट में होगी अगर आप उस स्टेट से दूसरी स्टेट्स में चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने इनपुट्स को चेंज करना पड़ेगा फिर दोस्तों इसके बाद जो स्कीम ट्रिगर है उसका मैंने ये सर्किट यहां पर ड्रॉ किया है ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल जहां मैं इनपुट वोल्टेज अप्लाई करूंगा ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जिस पे आपका एक आर टू रजिस्टेंस ग्राउंडेड है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के बीच में एक आर वन रजिस्टेंस है दोस्तों अगर इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो आपने अच्छे से देखा हो तो हमने जो पॉजिटिव फीडबैक ओप ओपैम्प का सर्किट था बिल्कुल वही सर्किट्स यहाँ पे लिया है ये आपका अगर मैं इसको ढक लू तो ये आपका कंपेरेटर है और ये जो अरेंजमेंट है R1 और R2 की ये एक पॉजिटिव फीडबैक्स का काम करती है तो यहाँ पे हमने मेंशन किया कंपेरेटर विद पॉजिटिव फीडबैक वही आपका स्केमे ट्रिगर है इसके बाद दोस्तों कोई भी जो ओपैम्प होगा उसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई विद डिफरेंशियल इनपुट अब डिफरेंशियल इनपुट क्या होगा ये यहाँ पे ओपैम्प का जो इनपुट होगा डिफरेंशियल इनपुट वो क्या होगा वी आई डी और दोस्तों जो VID है वो क्या होगा वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल माइनस वोल्टेज एट नेगेटिव टर्मिनल तो ये हमने यहाँ यहां VID लिखा दिस इज V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव तो दोस्तों आउटपुट वोल्टेज होगा गेन मल्टीप्लाई विद V पॉजिटिव क्या है लेट अस से यहां पे V1 वोल्टेज अवेलेबल है माइनस नेगेटिव पे क्या अवेलेबल है इनपुट वोल्टेज अवेलेबल है तो दोस्तों ये आपका पॉजिटिव फीडबैक ओपम्प हुआ अब इसके बाद मान लीजिए अगर ये कंपेरेटर है और उसके बाद मैंने ये फीडबैक नेटवर्क यहां अप्लाई किया है तो कंपेरेटर की आउटपुट या तो आपकी पॉजिटिव सैचुरेशन में होंगी या आपकी नेगेटिव सैचुरेशन में होंगी मान लेते हैं दोस्तों आपकी आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन में अवेलेबल थी इस केस में आपको सबसे पहले V1 फाइंड आउट करना पड़ेगा V1 क्या है दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल है पॉजिटिव V सेचुरेशन और जब इस वोल्टेज को R1 और R2 के थ्रू आप ड्रॉप काउंट करोगे तो ये दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं और यहाँ का जो ड्रॉप होगा वही आपका V1 कहलाएगा दिस ड्रॉप इज इक्वल टू R2 रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R2 टू प्लस आर एंड ओवरऑल मल्टीप्लाई विद वी सेचुरेशन तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर टू मल्टीप्लाई विद वी सैचुरेशन तो ये होगा आपका V1 पोटेंशियल दोस्तों इस पोटेंशियल को आप अपर थ्रेसोल्ड वोल्टेज भी कहते हो राइट तो यही आपका अपर थ्रेसोल्ड वोल्टेज भी होगा दूसरी बात दोस्तों अगर मैं आउटपुट वोल्टेज को अज्यूम करूं कि जब मैंने कंपेरेटर से काम लिया उसके बाद मैंने ये फीडबैक यहां लगाया तो कंपेरेटर का आउटपुट मान लीजिए आपका नेगेटिवली सैचुरेटेड था तो ये हमने वी नॉट या वी आउटपुट इक्वल टू माइनस वी सेट इस केस में जो आपका V1 वन यहां वोल्टेज अवेलेबल होगा वो क्या होगा दैट इज माइनस वी सेट मल्टीप्लाई विद दिस रजिस्टेंस आर टू डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रजिस्टेंसिस दिस इज आर वन प्लस आर टू अब ये जो पोटेंशियल है दोस्तों इसको हम कहते हैं लोअर थ्रेसोल्ड वोल्टेज राइट तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखें इसके बाद हम इस स्केमि ट्रीगर के वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले मान लीजिए आपकी आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव वी सेचुरेटेड है और आपका अगर आउटपुट पॉजिटिव वी सेचुरेटेड है तो वी वन वैल्यू क्या होगी अपर थ्रशोल्ड तो मैंने वी वन को यहाँ लिखा वी अपर थर्सोल्ड तो दोस्तों यहाँ पे जो वी अपर थरसोल्ड होगी इसका अब इनपुट वोल्टेज के साथ कंपेरिजन होगा अगर इनपुट वोल्टेज वी अपर थर्शोल्ड से कम है तो ओवरऑल पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा होगी नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कम होगी डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज जो होगी वो आपकी ओवरऑल पॉजिटिव होगी इसी की हेल्प से आप कह सकते हो अगर आपकी डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव है तो आउटपुट पे हमेशा अब आपको पॉजिटिव वी सेट ही मिलेगा तो ये आपका पॉजिटिव वी सेट ही मिलेगा लेकिन दोस्तों किसी वजह से आपका जो इनपुट वोल्टेज है अगर वो वी यू टी यानी अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो इस वोल्टेज से आपका यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई की वो अगर बड़ी है तो ओवरऑल जो डिफरेंशियल वोल्टेज है वो नेगेटिव हो जाएगी और अगर ये टर्म नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव को वेरी हाई गेन से मल्टीप्लाई करूंगा तो आउटपुट अब की बार माइनस वी सेचूरेट मिलेगी तो ये मेरी आउटपुट माइनस वी सेचूरेटेड मिलेगी ये केस था दोस्तों जब हमने आउटपुट को पॉजिटिव वी सेट कंसीडर किया अगर हमारा जो दूसरा केस है आउटपुट अगर हमारी नेगेटिव वी सेट्स अवेलेबल है तो उस केस में यहाँ पे क्या वोल्टेज अवेलेबल मिलेगी यहाँ पे ये यह हमने सोल्व किया है तो ये जो वी वन वोल्टेज है इसको मैं क्या कहूँगा लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो वी वन आपकी लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी और इस वोल्टेज के साथ अब इनपुट वोल्टेज का कंपेरिजन होगा तो वी इन इज ग्रेटर देन वी एल टी इसका मतलब अब की बार जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज है अगर वो वोल्टेज लोअर थर्सोल्ड वोल्टेज से बड़ी है तो ओवरऑल जो डिफरेंशियल वोल्टेज होगी वो नेगेटिव में आएगी और अगर वो नेगेटिव में आएगी तो आउटपुट भी आपका नेगेटिव वी सेट ही मिलेगा यानी पहले जो वी सेट आपने वी नोट जो माइनस वी सेट कंसिडर किया था बिल्कुल आपका सेम रहेगा माइनस वी सेट इन केस दोस्तों आपकी जो लोवर वो इनपुट वोल्टेज से अगर बड़ी हो जाए तो इस केस में क्या होगा इनपुट मतलब वोल्टेज ये छोटी है तो ओवरऑल डिफरेंशियल वोल्टेज आपकी फिर से पॉजिटिव बन जाएगी और ये कोई पॉजिटिव वैल्यू वेरी हाई गेन से मल्टीप्लाई होगी तो आउटपुट की बार पॉजिटिव वी सैचुरेटेड मिल जाएगा तो ये आपका पॉजिटिवली सैचुरेटेड है तो दोस्तों अब इसी को मैं इन टर्म्स ऑफ वेव फॉर्म्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मान लीजिए ये जो ब्लैक कलर से मैंने वेव फॉर्म ड्रॉ की है ये आपकी इनपुट वोल्टेज है और जो अपर थ्रेशोल्ड लेवल है वोल्टेज का वो मैंने यहाँ रेड कलर से शो किया है और नीचे नेगेटिव वैल्यूज होगी लोअर थर्शोल्ड वो मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया है तो दोस्तों जीरो पॉइंट से और इस पॉइंट तक आपका जो अपर थ्रेसोल्ड है वो बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज तो दोस्तों इसमें आपकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी पॉजिटिव टर्मिनल्स पे वोल्टेज वी यूटी जीरो पॉइंट से इस पॉइंट तक आपकी जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो आपकी बड़ी वोल्टेज है और वी इनपुट आपकी छोटी वोल्टेज है इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि इस टाइम पीरियड तक आपकी आउटपुट हमेशा पॉजिटिवली वी सेट होगी तो ये आपकी पॉजिटिव वी सेट होगी और ये आउटपुट वोल्टेज का करो बनाना चाहता हूँ लेकिन दोस्तों इसके बाद इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बड़ी है इन केस इनपुट वोल्टेज अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर बड़ी है तो आउटपुट वोल्टेज आपका माइनस वी सेट अवेलेबल होगा तो यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा जो वोल्टेज होगा उसको हम माइनस वी सेट से रिप्रेजेंट करेंगे यहां तक हमने इसको माइनस वी सेट से रिप्रेजेंट की राइट इसके बाद दोस्तों हमारी माइनस वी सेट ऑलरेडी आ चुकी है माइनस वी सेट में इस पॉइंट के बाद हमारा क्या होगा इनपुट वोल्टेज जो है वो हमारी लोअर थ्रेशोल्ड से अभी भी क्या है बड़ी वोल्टेज है तो इनपुट वोल्टेज लोअर थरसोल्ड से बड़ी वोल्टेज है उस केस में भी आउटपुट हमारा माइनस वी सेट ही अवेलेबल रहेगा यानी इनडायरेक्टली इस पॉइंट तक हमारा माइनस वी सेट ही रहेगा अब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है आउटपुट वोल्टेज वी सेट माइनस वी सेट आपने यहाँ देखा तो इस केस को हम एक्टिव बना लेंगे इस पॉइंट के बाद आपका क्या होगा जो इनपुट वोल्टेज है वो अब लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो चुकी है क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज़ बड़ी होना ओवरऑल उस वैल्यू को हम कम कहते हैं क्योंकि माइनस थ्री आपका माइनस फाइव से बड़ा होता है तो यहाँ पे जो आपका इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म्स है ये वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपका क्या होगा इनपुट वोल्टेज लोअर थ्रेशोल्ड से कम होगी तो इनपुट वोल्टेज अगर लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो उस केस में आउटपुट आपका पॉजिटिव वी सेट अवेलेबल रहता है तो यहाँ पे देखा दोस्तों ये आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पॉजिटिवली अवेलेबल होगा इसके बाद दोस्तों अब आपके आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव वी सेट से और यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मेरा जो वी इनपुट है वो आपका अपर थ्रेशोल्ड से अभी भी क्या है कम है तो वी इनपुट अपर थ्रेशोल्ड से अगर कम है तो फिर भी इस पॉइंट तक भी आपका आगे पॉजिटिव वी सेट ही अवेलेबल होगा राइट right? तो दोस्तों इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि इनपुट में आपकी जो मर्जी वेव फॉर्म्स हों आउटपुट आपकी हमेशा स्क्वेयर वेव ही रहती है और दोस्तों ऐसे सर्किट को या ऐसे डिवाइस को हम स्केमिट ट्रिगर कहते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में स्किमिट ट्रिगर की कुछ ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम इन डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे और आपको हिस्टेरेसिस लूप के बारे में इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो